20। राम राम भाइयों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यूएसए के लो कंपटीशन, जिसका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और प्लस उसके अंदर सीपीसी भी बहुत अच्छा मिलता है। मतलब ये लगा लो कि आपको बहुत ज़्यादा सीपीसी भी मिलेगा और आप उस पर काम भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहते हैं ना वैल्यूएबल कंटेंट और सर्चेबल कंटेंट, इसी को कहते हैं सर्चेबल कंटेंट। जो भी मार्केट में अभी सर्च किया जा रहा है उसके ऊपर ही काम करना चाहिए, उसको कहते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक, और उसी की वजह से ही जल्दी से अप्रूवल मिलते हैं। जैसे कई बार आता है अनवैल्यूएबल कंटेंट को डालिए तो एडसेंस की तरफ से मेल आती कई बार, तो उसके लिए तो मैंने इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा। तो मेरे पास वैसे और भी हैं जो ये आपके मैंने डाले हैं, इसके ऊपर भी आप कीवर्ड्स पे काम करिए, इस पर करिए ताकि ईजीली आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल सके, ठीक है। और इसमें देता रखा है रैंक होता है गूगल पे कैसे आपको लिखा है, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस इसमें डाला हुआ है ताकि आप चेक कर सके कि हाँ भाई सर्च कंसोल के अंदर जब आती है, जब हम अपना वेबसाइट डालते हैं तो उसके कंटेंट सर्चेबल में आता है तो इंप्रेशन होता है, तो उसको उसका हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, उससे कैसे हम उसको अपने टॉप 10 के अंदर ला सकते हैं। तो उसका बहुत शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैंने उसी चीज़ को मैंने किया, तो आप उसको देख सकते हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आगे आप देख सकते हैं क्योंकि उसमें मैंने अपने जो एक्सपीरियंस है और अपना जो ट्रैफिक है अपनी वेबसाइट का, कैसे कैसे मेरी साइट जो है टॉप 10 के अंदर कितने कीवर्ड्स पर काम कर रही है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। चलने से पहले इतना ही कहूँगा कि मैं ऐसी ही वीडियो बनाता हूँ कीवर्ड्स के बारे में और अपना जितने भी सर्चेबल एसईओ के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में, तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ। तो बहुत मेहनत लगती है भैया इसमें कीवर्ड्स को ढूंढने में भी, सर्च करने में, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपना भाई को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाली वीडियो को हम लोग और ज़्यादा शेयर कर सके अपनी फैमिली अपने परिवार के साथ। इसके साथ साथ जो नए नए यूट्यूबर आते हैं, नए नए होते हैं जिनका मोनेटाइजेशन होने में टाइम लग रहा है, तो वो भी आके हमारे से जुड़िए, हमारा टेलीग्राम का चैनल नीचे है ताकि उसमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे को हम सब्सक्राइब करेंगे तो इजीली हम लोगों का एडसेंस का अप्रूवल भी हो जाता है, फिर उसके बाद हम इजीली अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। ओनली खाली ब्लॉगर्स के लिए, ब्लॉगर्स एसईओ डिजिटल मार्केटिंग के ही बंदे अपने घर जो अपनी वीडियो बनाते हैं, अपना चैनल है उनका या उनकी वेबसाइट, ठीक है। चलिए चलते हैं, पहला जो कीवर्ड है मैं आपको दिखा दूँ, पहला कीवर्ड है ये है 2.59,000 का, ये अपना जो है, और 10 इसके अंदर वो है अपना सीपीसी मिलता है, $10 सीपीसी बहुत होता है यार, 128 का है, और यूनाइटेड स्टेट से मिल रहा है, यूके से ही मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से भी है, इंडिया से भी है, कनाडा से, मतलब सभी जगह से यार। टू इजी है इसका, क्या लेज़र हेयर रिमूवर, आप इसके अंदर ब्लॉग के अंदर भी डाल सकते हैं, किसी हेल्थ के अंदर भी डाल सकते हैं, और अपना वेबसाइट जो न्यूज़ की है उस पर भी डाल सकते हैं, और किसी का जो हेल्थ का जो साइट है न्यूज़ है उसके लिए भी आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। और कॉस्मेटिक जितने भी साइट्स होती है उसके लिए भी डाल सकते हैं इसको, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इसका जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये चीज़ है। मैंने हर बार ये कहता हूँ इन पे 500 टॉपिक पे ही कम से कम 600-700 का वर्ड का एक एक बनाइए, एक आर्टिकल पे, एक टॉपिक पे 5 आर्टिकल पेज होने चाहिए आपकी एक वेबसाइट के अंदर, तभी वो 100% रैंकिंग आएगा, एक से कभी नहीं आ सकता, तभी वो टॉप 10 के अंदर आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि 1-1.5 महीने के बाद आपको इजीली उसका ट्रैफिक दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड हमारा ये है अपना हाउ टू चेंज नेम ऑन फेसबुक, फेसबुक पे नेम हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए भी बहुत से बंदे करते हैं, सर्च करते हैं नए नए जितने भी आते हैं, वैसे बहुत ईजी काम है चेंज करना, सभी को आता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को लगता है, लेकिन फिर भी देखो सर्च कितना होता है, 12 मीडियम है, इतना बंदे मैंने लोग सर्च करते हैं, ठीक है ना। तो 21,000 बंदे इसको सर्च करते हैं, 42,000 टोटल है इसके अंदर, यूके से भी, यूनाइटेड स्टेट से भी, कनाडा से भी, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से भी है, तो इस पर करिए काम, सीपीसी बहुत अच्छा मिल रहा है $2 का, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेम सारी कंडीशन अप्लाई है जैसे ही जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी दिक्कत आती है आप टेलीग्राम में हमारा है तो उसके अंदर आप पूछ सकते हैं, ज्वाइन करिए, वहाँ मैं आपको सारे रिजल्ट आंसर सब चीज़ का मैं रिप्लाई देता हूँ, थोड़ा देर से लेकिन दे देता हूँ मैं उसी दिन, जितना कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो उसमें हम लोग सारी चीज़ के शेयर, जितने भी वर्डप्रेस के जितने प्लगइन हैं जो भी अवेलेबल होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मैं अप्लाई कर देता हूँ, थीम्स होगी सारी चीज़ तो इसके अंदर, इसके अलावा जितने भी ये है तो पहले मैं उसके अंदर ही कीवर्ड की जितनी भी वीडियो वो उस पर मैं डाल देता हूँ, तो आप जाइए, आइए, ज्वाइन करिए, ठीक है। थर्ड पर चलते हैं हम लोग, तीसरा है ये, ठीक है, 15,000 का है इसका, $5 मिलता है इसमें, हाउ टू मेक ए लाइव वाल पेपर, वाल पेपर कैसे बनाया था जो लाइव चलते हैं उसको, उसके बारे में आप डिटेल दे सकते हैं, अपना सब चीज़ पे चलेगा, ब्लॉग पे भी चलेगा,
एसईओ वाली साइट्स पे भी चलेगा, ब्लॉगिंग पे भी चलेगा, इसके अलावा अपना न्यूज़ की साइट पे भी चलेगा, सब पे चलेगा यार, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यूनाइटेड स्टेट पे है देखो 19 का, और $5 मिल रहा है सीपीसी, बहुत है यार, बहुत बढ़िया। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये थी जो मैंने 3 कीवर्ड्स दिखाए हैं जिसके अंदर हम लोगों ने, मैंने काम करके अभी इस पे काम किया है, तो आप देख सकते हैं। तो इस पे करिए, यूएसए का ट्रैफिक भी आएगा, इंडिया से भी आएगा, और आपको पता है यूएसए से ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो ज़्यादा पैसा मिलता है, तो इसलिए पर क्लिक पे ज़्यादा सीपीसी मिलता है। इंडिया में मिलता है लेकिन इंडिया पे ज़्यादा बाई चांस कम है, लेकिन यूएसए पे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो और अधिक जानकारी के लिए मेरे टेलीग्राम पे और मेरे इंस्टाग्राम पे उस पर ज्वाइन करिए, और उसके अलावा मेरे को वहाँ से फॉलो कीजिए, कोई भी दिक्कत आती है मुझे बताइए, मैं उसका आंसर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, अगर नहीं लगी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालना नहीं लगी, लाइक इसलिए नहीं लगी। और अगर आपको नई जो भी तरह के नए कीवर्ड्स लिखने हैं कैसे हैं तो वो भी आप उसमें डाल सकते हैं, ताकि मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।